हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य। दोस्तों, मैं आपके एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आप बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो हम बात करेंगे आज शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य एवं उद्देश्य। मैं इस तरीके से बताऊंगी कि आपको दोबारा पढ़ने की या दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य एवं उद्देश्य के बारे में। तो शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में जानने से पहले हम लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले लक्ष्य देखेंगे। लक्ष्य क्या होता है? अंतिम बिंदु होता है, अंतिम बिंदु जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं यानी कि उच्चतम तथा सुंदर अभूतपूर्व निश्चित अमूर्त निश्चित स्थान लक्ष्य प्राप्ति का अंतिम बिंदु ही। तो यही ध्यान रखिए कि जो लक्ष्य होता है वो अंतिम बिंदु होता है जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं। और उद्देश्य क्या होता है? उस तक पहुँचने वाले साधन होते हैं। ठीक है, लक्ष्य तक पहुंचने वाले साधन होते हैं। जैसे लक्ष्य तो एक ही होता है, परंतु उस तक पहुंचने के लिए कई उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सारे उद्देश्य जो हैं एक लक्ष्य की ओर जाते हैं। सारे उद्देश्य किस तरह जाते हैं? एक लक्ष्य की ओर जाते हैं। तो ये एक सोपान की तरह, सीढ़ी की तरह कार्य करता है। जैसे अंतिम सीढ़ी पहुंचने के बाद आप एक निर्दिष्ट स्थान पर या अंतिम सीढ़ी पर ही, मान लीजिए आपका लक्ष्य अंतिम सीढ़ी है, तो उस तक पहुंचने के लिए आपको नीचे स्तर से सीढ़ी से शुरुआत करना पड़ेगा। डायरेक्ट तो वहां पहुंच नहीं जाएंगे। तो ये विभिन्न सोपान का कार्य करता है, यानी कि जो लक्ष्य है वो अंतिम सोपान है। ठीक है, और मध्य सोपान जो है उद्देश्य है, और निचला सोपान जो है उप उद्देश्य है। तो इस प्रकार उप उद्देश्य से उद्देश्य और अंतिम सोपान लक्ष्य, तो उद्देश्य जो है लक्ष्य की ओर जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि अंतिम बिंदु लक्ष्य होता है। ठीक है, और उस तक पहुंचने के जो रास्ते होते हैं, उन तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वो जो होता है उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार सारे उद्देश्य जो है एक लक्ष्य की ओर जाते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए। बट उस तक पहुंचने के लिए आपको बीच में इतनी सारी तैयारी करनी पड़ रहा है, इतना पढ़ना पड़ रहा है, सारे चैप्टर क्लियर करने पड़ रहे हैं। तो यही उद्देश्य है, यही सब जो आप इतना मेहनत किए रहेंगे वो लक्ष्य तक पहुंचने में आपको मदद करेगा। तो इस प्रकार लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में हम समझ गए। अब हम इसी के अकॉर्डिंग शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है एंड उद्देश्य क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। तो एकदम कोई भी पूछे कि, और कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछे कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना ही शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। इसी सर्वांगीण विकास करने में जो जो प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है, जो जो प्रक्रिया हम लोग करते हैं, ये साधन से पहुँचते हैं, वही उसका उद्देश्य हो जाता है। तो लक्ष्य एक होता है, उद्देश्य अनेक होते हैं, सारे उद्देश्य लक्ष्य की ओर जाते हैं, यही समझ लीजिए। तो शारीरिक शिक्षा के मुख्य लक्ष्य के बारे में बात कर रहा है। शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, इसी प्रकार व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कैसे होगा? बहुत सारे उद्देश्य से मिलकर होगा। जैसे बहुत सारे उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, इन सब उद्देश्यों से उद्देश्य किस तरफ जाते हैं? व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को पूर्ण करने के लिए। तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास ही शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। अदरवाइज जितने भी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास है, ये सब उनके उद्देश्य हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को करने में सहायता प्रदान करता है, यानी मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। तो इस तरह आप तो शारीरिक शिक्षा के मुख्य लक्ष्य के बारे में समझ गए होंगे। और लक्ष्य किसे कहते हैं, उद्देश्य किसे कहते हैं, इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ परिभाषाएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं,
जैसे कि जे एफ विलियम्स की परिभाषा है कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति तथा व्यक्ति के समूहों के लिए कुशल नेतृत्व पर्याप्त सुविधाओं को प्रदान करती है ताकि व्यक्ति ऐसी प्रक्रियाओं में भाग ले जिससे वो शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से सजग तथा सामाजिक दृष्टि से सफल हो सके। तो ये जे एफ विलियम्स की परिभाषा है। उनका कहना है कि व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के लिए कुशल नेतृत्व पर्याप्त सुविधाओं को प्रदान करती है, ठीक है, शारीरिक शिक्षा, ठीक है, और जब कुशल नेतृत्व प्रदान करती है तो ताकि वो व्यक्ति ऐसी प्रक्रियाओं में भाग ले सके जिससे वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सके, मानसिक रूप से सजग हो सके और सामाजिक दृष्टि से सफल हो सके, जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके। तो इन बातों पर विचार करने पर इन्होंने चार बातों पर ध्यान दिया है जे एफ विलियम्स ने, कुशल नेतृत्व, अधिक सुविधाएं प्रत्येक व्यक्ति के लिए खेल में भाग लेने की संभावना, वह नेक्स्ट वह अनुभव जो शारीरिक रूप से पूर्ण, मानसिक रूप से साहसपूर्ण तथा सामाजिक रूप से उचित हो। नेक्स्ट परिभाषा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके अनुसार शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य प्रत्येक बालक का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से तंदुरुस्त बनाना है और उसमें व्यक्तिगत व सामाजिक गुणों का विकास करना होना चाहिए ताकि वह लोगों के साथ खुशी से रह सके और उसे एक अच्छा नागरिक बना सके। तो इस प्रकार इन दोनों की परिभाषाओं से भी स्पष्ट होता है कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना और उस लक्ष्य तक जिस माध्यम से पहुंचा जाता है उन सबको उद्देश्य कहते हैं। तो सभी उद्देश्य एक लक्ष्य की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग समझे कि लक्ष्य और उद्देश्य क्या है एंड शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य और लक्ष्य क्या है। तो अब हम शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के बारे में समझेंगे। तो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य यानी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम देखें तो यूनान ही ऐसा प्रथम सभ्य साम्राज्य था जिसने शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के स्पष्ट उद्देश्यों की नींव रखी। तो सबसे पहले नींव को उसने रखा शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य की, तो यूनान ने, ठीक है, जिसमें सुकरात, अफलातून तथा अरस्तु का नाम लिया जाता है और इन सबके विचारों को आज भी उतनी ही सार्थकता दी जाती है जितने की पहले, ठीक है। एंड अमेरिका को आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पथ प्रदर्शक माना जाता है, ठीक है। प्राचीन काल में सबसे पहले शारीरिक शिक्षा का पथ प्रदर्शक यानी शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को स्पष्ट उद्देश्यों की नींव रखने का दायित्व किसको जाता है, यूनान को, जिसमें सुकरात, अफलातून, अरस्तु थे। लेकिन आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पथ प्रदर्शक अमेरिका को माना जाता है, ठीक है, इससे पहले यूनान को माना जाता था, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब मैं शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों को विभिन्न विद्वानों के अनुसार बताएंगे। जैसे कि सभी विद्वानों के अनुसार सभी विद्वानों ने शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों को अपने अपने अनुसार वर्गीकृत किया है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी ऑफर के अनुसार शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। दोस्तों इन सभी के विद्वानों के बारे में जो अलग अलग वर्गीकृत किए हैं शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को, इसको ध्यान से देखिएगा और इससे क्वेश्चन जरूर एक दो क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आफर्ड ने स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के अमेरिकी संगठन है जिन्होंने शारीरिक शिक्षा के पांच उद्देश्य बताए हैं। आफर्ड ने शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए हैं, पांच उद्देश्य, ठीक है। उसमें से पहला है कि शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों की विभिन्न प्रक्रियाओं को कुशल तथा प्रभावी ढंग से संपन्न करने में बालकों की सहायता करना। पहला क्या है कि कार्यक्रम जो भी है उन सबको कुशल और प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए बालकों की सहायता करना। एंड नेक्स्ट दूसरा है बालकों व युवाओं की प्रक्रियाओं को समझना व उनका उचित मूल्यांकन करना ताकि उनका जीवन अधिक सार्थक बन सके, ठीक है।
एंड तीसरा है प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांतों के विषय में जानकारी प्राप्त करना तथा उनके मूल्यांकन प्रणाली पर विश्वास करना। एंड चौथा है खेल व क्रीड़ा के माध्यम से पारस्परिक मानव संबंधों का विकास करना। एंड पांचवा है शरीर की विभिन्न अवयव प्रणालियों का विकास करना ताकि आवश्यकता अनुसार स्वस्थ होकर वे परिस्थितियों का सामना करने योग्य हो सके। तो इस प्रकार आफर ने ये अमेरिकी संगठन है स्वास्थ्य सारी शिक्षा से मनोरंजन का जिसके अनुसार आफर के अनुसार सारी शिक्षा के पांच उद्देश्य हैं। तो इन पांच उद्देश्य को कैसे याद करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि पहला नंबर पे वो कहते हैं कि जो भी सारी शिक्षा के कार्यक्रम हो प्रक्रिया है उसको प्रभावी ढंग से संपन्न करना है तो बालकों की उसमें सहायता करना। सबसे पहले क्या दिया है? बालकों की उसमें प्रक्रियाओं में सहायता करना। फिर दूसरे नंबर पर कहते हैं कि उन युवाओं और प्रक्रियाओं को उचित मूल्यांकन करना ताकि उनका जीवन जो है अधिक सार्थक बन सके। ठीक है, पहले पॉइंट में बालकों को कार्यक्रमों में सहायता करना, दूसरे में उसका मूल्यांकन करना, तीसरे में उससे संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांतों के विषय में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, और उसमें से जो मूल्यांकन प्रणाली है उसमें विश्वास करना। ठीक है, एंड उसके बाद खेल क्रीड़ा के माध्यम से पारस्परिक मानव संबंधों का विकास करना। फिर विभिन्न अवयव प्रणालियों का चौथा पांचवा है विभिन्न अवयव प्रणालियों का विकास करना शरीर के ताकि आवश्यकता अनुसार स्वस्थ होकर परिस्थितियों का सामना करने योग्य हो सके यानी उसका सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, ये था आफर्ड के अनुसार पांच उद्देश्य। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आफर्ड ने सारी शिक्षा के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है यानी कितने सारी शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं तो पांच प्रकार के। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हैगमैन तथा ब्राउन वेल के अनुसार सारी शिक्षा के उद्देश्य। तो हैगमैन तथा ब्राउन वेल ने सारी शिक्षा के चार उद्देश्य बताए हैं। ये चार उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला है जिसके द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि हो। दूसरा है गामक कौशल में वृद्धि यानी मोटर स्किल में वृद्धि हो। तीसरा है ज्ञान एवं जानकारी में वृद्धि में सहायक हो। चौथा है अभियोग्यता एप्टीट्यूड की वृद्धि में सहायक हो। तो हैगमैन तथा ब्राउन वेल के उद्देश्य बहुत बार पूछा जाता है। तो इन्होंने चार उद्देश्य बताए हैं, इसमें से आप ऐसे ट्रिक याद कर सकते हैं कि पहले में स्वास्थ्य में वृद्धि, दूसरे में गामक कौशल, तीसरे में ज्ञान जानकारी में वृद्धि, चौथे में अभियोग्यता। ठीक है, कि स्वास्थ्य, गामक कौशल, ज्ञान जानकारी, अभियोग्यता, ऐसे करके याद कर लीजिए। ठीक है, इनके चार प्रकार हैगमैन ब्राउन वेल के चार उद्देश्य कौन है? स्वास्थ्य, गामक कौशल, ज्ञान जानकारी, अभियोग्यता, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जेबी नेस। जेबी नेस ने भी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को चार भागों में वर्गीकृत किया है, चार शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं। इन्होंने बताया है कि शारीरिक अंगों का विकास होना चाहिए, फिर दूसरा है पेशी तथा तंत्रिका तंत्र के तालमेल का विकास होना चाहिए, फिर सर्वांगीण विकास यानी पक्षात्मक विकास होना चाहिए, चौथा है निर्वाचनात्मक यानी भावनात्मक विकास होना चाहिए। ठीक है, तो ये चार उद्देश्य जीवीनेस क्या बताते हैं? सबसे पहला उद्देश्य में कहते हैं सबसे पहले शरीर के अंगों का विकास हो, उसके बाद मस्तिष्क के और पेशी यानी पेशी और तंत्रिका तंत्र में तालमेल हो। ठीक है, यानी नीरो पेशी में, नीरो मांसपेशी में, एंड तीसरा है सर्वांगीण विकास हो, चौथा है भावनात्मक विकास हो। तो इस प्रकार इन्होंने चार शरीर शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं, अंगों का विकास, ठीक है, अंगों का विकास, तंत्रिका तंत्र पेशी का तालमेल, सर्वांगीण विकास, भावनात्मक विकास। ठीक है, एंड नेक्स्ट है एच सी बक के नाम से आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे क्योंकि एच सी बक को भारत में शारीरिक से आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पितामह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये महान विचारक तथा प्रचारक थे। तो इन्होंने एच सी बक ने शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को पांच उद्देश्य बताए हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एस सी बक का जरूर याद कर लीजिए। तो एस सी बक ने शारीरिक शिक्षा के पांच उद्देश्य बताए हैं, इसमें से पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है मस्तिष्क का मांसपेशियों से सामंजस्य, तीसरा है खेलों के लिए उचित क्षमता का विकास, चौथा है सामाजिक तथा चारित्रिक विकास, और पांचवा है अच्छी आदतों तथा स्वभाव का विकास। ये पांच शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं। तो इसको लाइन से ऐसे याद कर सकते हैं, सबसे
सूक्ष्म पॉइंट पर पहले जाइए, सबसे पहले शरीर के विकास पर जाइए, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट बताया शरीर का विकास। शरीर का विकास तो हो गया, उसके बाद क्या होगा, मांसपेशी और मस्तिष्क में सामंजस्य होगा तभी तो योग बनेगा। तो शरीर का विकास, फिर मस्तिष्क के और मांसपेशियों के सामंजस्य, फिर खेलों के लिए उचित क्षमता का विकास, इतना हो गया तो क्षमता का विकास होगा, ठीक है। एंड चौथा है उसके बाद क्षमता का विकास हो गया, सामाजिक चारित्रिक विकास होगा, फिर उसके बाद अच्छी आदतों तथा स्वभाव का विकास। तो ये चार उद्देश्य एससी वर्ग के थे, ठीक है। एंड नेक्स्ट है चार्ल्स ए बूसर ने शरीर शिक्षा के उद्देश्य को चार बताया है। चार्ल्स ए बूसर ने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन में शरीर शिक्षा के चार उद्देश्य बताए हैं। ये शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, शारीरिक, गामक, मानसिक, सामाजिक विकास, यानी चार उद्देश्य बताए हैं चार्ल्स ए बूसर ने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है एच क्लार्क। एच क्लार्क ने शारीरिक शिक्षा के तीन उद्देश्य बताए हैं। सबसे पहला शारीरिक स्वास्थ्य वृद्धि, फिर सामाजिक गुणों में वृद्धि, फिर संस्कृति में, यानी समाज शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक गुण और संस्कृति में वृद्धि। इन्होंने तीन उद्देश्य बताए हैं एच क्लार्क ने, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक गुण और संस्कृति में वृद्धि, ठीक। नेक्स्ट है बुकवाल्टर। बुकवाल्टर ने भी शारीरिक शिक्षा के तीन उद्देश्य बताए हैं, जिसमें से स्वास्थ्य, दूसरा फालतू समय का उचित प्रयोग, नैतिक चरित्र। बुकवाल्टर का ये जो उद्देश्य है, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि फालतू समय का उचित प्रयोग, ये शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य किस विद्वान ने बताया है, तो बुकवाल्टर ने, तो बुकवाल्टर ने भी तीन उद्देश्य बताए हैं, स्वास्थ्य, फालतू समय का उचित प्रयोग, नैतिक चरित्र, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्ड एफ वाल्टमर ने। एडवर्ड एफ वाल्टमर ने भी शारीरिक शिक्षा के चार उद्देश्य बताए हैं, जिसमें से पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है हरकत एवं प्रेरक कार्य क्षमता विकास, तीसरा है ज्ञान एवं समझ, चौथा है सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, ठीक है। तो एडवर्ड एफ वाल्टमर ने क्या कहा है, शारीरिक विकास, फिर हरकत और प्रेरक कार्य यानी मोटर कार्य, जो मोटर क्षमता होता है का विकास, ज्ञान और समझ, की सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, ठीक है। नेक्स्ट है हेथरिंगटन। हेथरिंगटन ने शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को पांच भागों में डिवाइड किया है, इसमें से पहला है कि तुरंत तत्कालिक उद्देश्य, और दूरवर्ती उद्देश्य, विकासात्मक उद्देश्य, सामाजिक स्तर उद्देश्य, शारीरिक स्थिति का नियंत्रण। इन्होंने इस प्रकार पांच उद्देश्य बताए हैं शारीरिक शिक्षा के, क्या क्या, तुरंत तत्कालिक उद्देश्य, दूसरा दूरवर्ती उद्देश्य, तीसरा विकासात्मक उद्देश्य, चौथा सामाजिक स्तर उद्देश्य, पांचवा शारीरिक स्थिति का नियंत्रण, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट है लैसिली। लैसिली ने भी शारीरिक शिक्षा के पांच उद्देश्य बताए हैं। इन्होंने इनका जो लैसिली का है, शारीरिक शिक्षा के पांच उद्देश्य भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने शारीरिक अंगों का विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, स्नायु पेशी विकास, ठीक है। इनका याद करना सरल है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे कि स्लेशली ने सबसे पहले शारीरिक अंगों का विकास, फिर भावनात्मक, फिर सामाजिक, फिर बौद्धिक, फिर स्नायु पेशी का विकास, फिर पांच भागों में बांटा है शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को स्लेशली ने। शारीरिक अंगों का विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास, स्नायु पेशी विकास, ठीक है। एंड ब्लूम एवं क्रथबुल ने शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को तीन उद्देश्य बताए हैं, संज्ञान, भावनात्मक, मनोप्रेरक, ठीक है। संज्ञान, भावनात्मक, मनोप्रेरक, ठीक है। संज्ञान में वो चीजें आते हैं जो मतलब कि ज्ञानात्मक होती है, यानी कि ज्ञान, समझ, अध्याय, अध्यावसाय, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, जो बौद्धिक योग्यता और विकास के लिए उत्तरदायी होती है, उन सबको संज्ञानात्मक में ऐड किया जाता है। भावनात्मक में आप तो सभी लोग अवगत हैं, खिलाड़ी की उपयोगिता, रुचि, गुण ग्रह, दृष्टि दोष, और उनकी अपनी राय बनाने में सोचने और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करता है, ठीक है। और मनोप्रेरक में तो जब तक प्रेरणा नहीं होगा तब तक कोई इंसान कुछ सीख नहीं सकता। तो मनोप्रेरक दशा क्षेत्र में जैसे कि प्रेरक सदस्यताओं के विकास और उनके सुधार संबंधित है, देखिए कि लर्निंग, शारीरिक शिक्षा के अनुभवों और सामान्य मोटर योग्यता की उपलब्धियों का परिणाम, और विभिन्न क्रियाकलापों को चुनिंदा दस्ताओं का
को प्राप्त कर सकते हैं अपने प्रेरक से। ठीक है, तो इस प्रकार था सभी विद्वानों के अनुसार अलग अलग सारी शिक्षा के उद्देश्य, और इन सभी से विचारों से ये पता चलता है कि सारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। सारी शिक्षा का उद्देश्य है शरीर के स्वास्थ्य में वृद्धि, उसको खिलाड़ी को प्रशिक्षण देना, स्नायी मांसपेशियों का विकास करना, मानसिक विकास करना, व्यक्तित्व का आचरण विकास करना, सामाजिक सांस्कृतिक विकास करना, ज्ञान में वृद्धि करना, खाली समय का सदुपयोग करना, नेतृत्व की शिक्षा देना, खेल प्रदर्शन के लिए प्रयत्न करना, संवेगात्मक विकास करना, नियमित वृद्धि और विकास करना, राष्ट्र प्रेम को जागृत करना, शक्ति तथा अधिक देर तक कार्य करने की क्षमता डेवलप करना, खेलों के माध्यम से चिंता तथा तनाव से मुक्ति करना, खेल भावना का जागृत करना, व्यायाम तथा खेल को संबंधी ज्ञान प्राप्त करना, अपने पर नियंत्रण रखना, ये सब सारे शिक्षा के सभी निष्कर्षों के आधार पर उद्देश्य होते हैं। तो इस प्रकार सभी निष्कर्षों को देखते हुए सारे शिक्षा के मुख्य उद्देश्य 6 माने जाते हैं। कौन कौन से? शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा सामाजिक विकास, चौथा बौद्धिक विकास, पांचवा नाड़ी संस्थान तथा मांसपेशी संस्थान से संबंध, छठवा स्वास्थ्य का विकास। ठीक है, जैसे पहले शारीरिक विकास होगा, फिर शरीर स्वस्थ है, फिर तो मन भी स्वस्थ होगा, तो शरीर और मन स्वस्थ हुआ तो उसका सामाजिक विकास होगा, अगर उसका सामाजिक विकास हो गया तो उसकी बुद्धि का विकास हो गया, उसके बाद जब बुद्धि का विकास हो गया तो नाड़ी संस्थान हमारी जो शरीर की है और मांसपेशी संस्थान मस्तिष्क से तालमेल बैठाने से किया, उसके बाद उसके स्वास्थ्य का विकास हो गया। तो यही सब मिला करके कहेंगे तो ये होगा कि सारी शिक्षा सर्वांगीण विकास की ओर जाता है। तो मुख्य लक्ष्य इसका क्या है? सर्वांगीण विकास मनुष्य का, और ये सभी उद्देश्य है सारी शिक्षा के, जो एक लक्ष्य की ओर जाता है मनुष्य को सर्वांगीण विकास के ओर तत्पर करने के लिए। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने बताया कि सारी शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। ठीक है, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को सारी शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो विभिन्न विद्वानों के अनुसार मैंने सारी शिक्षा के अलग अलग उद्देश्य बताए हैं उनको आप 2 से 3 बार देख लीजिए, क्योंकि एक बार में तो याद होगा नहीं, तो 2 से 3 बार आप देख लीजिए, उसके बाद कॉपी पे 1-2 बार लिख लीजिए तो जरूर याद हो जाएगा। ऑप्शन आपको देखेंगे तो उसका टिक जरूर लगा लेंगे। तो अपहर्ण का याद कर लीजिएगा, अपहर्ण में कितने भागों में बांटा है? तो 5 भागों में। हेगमैन ब्राउन बेल ने 4 भागों में, जेबी ने 4 भागों में। एस सी बक का जरूर याद कर लीजिएगा, एस सी बक 5 भागों में डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो इसी तरह और विद्वानों का भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और जो भी टॉपिक आपके मन में किसी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो उसे जरूर बताइए, मैं उसका डाउट जरूर क्लियर करूँगी। एंड ऐसे ही आगे टॉपिक आते रहेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी वीडियो पहुँच सके। और चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट टाइम जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।